नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीम में। आप सभी के साथ बोल जनता बोल लेकर मैं हूं पूजा कविया और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हाजिर हैं आज भी एक अहम सवाल लेकर। राम रहीम की फिल्म MSG विवादों के घेरे में है। कई सिख संगठनों ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। राम रहीम पर कई आपराधिक आरोप हैं और फिल्म में उन्हें महापुरुष के रूप में दिखाया गया है। ऐसे में इससे ये हो सकता है हिंदू मुस्लिम और सिखों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं। क्या राम रहीम की फिल्म को बैन किया जाना चाहिए या नहीं, ये है हमारा आज का सवाल। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से फिल्म के प्रमोशन आप लोगों ने भी देखे होंगे, एक प्रोमो देखा होगा, उसके बिहाफ पे आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में इस फिल्म में कुछ ऐसा आपत्तिजनक है जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए? आप हमारे साथ जुड़िए 0114321 4321। जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि बहुत सारे हो सकता है कि हमारे दर्शक ऐसे हों कि उन्हें पता नहीं हो, तो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं MSG नाम से गुरमीत बाबा राम रहीम, और इस फिल्म में वो हीरो हैं इस फिल्म के, और महापुरुष के रूप में उसको दिखाया गया है। बहुत सारी यहाँ पर वो संदेश देते नजर आए हैं, बहुत सारी बातें करते नजर आए हैं, लेकिन इस फिल्म का सिख संगठन विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ से इस फिल्म को बैन किए जाने की मांग है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका ये कहना है कि इससे धार्मिक भावनाएँ आहत हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए? जो भी आपकी राय है, जुड़िए हमारे साथ, डायल कीजिए 0114321 4321, क्योंकि एक तरफ संत है, दूसरी तरफ एक नए अवतार में वो फिल्म में नजर आते हैं हीरो के रूप में, तो वहीं सिख संगठनों की बात की जाए तो वो कहते हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए MSG मैसेंजर ऑफ गॉड नाम से जो फिल्म बनाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से राम रहीम को प्रेजेंट किया गया है महापुरुष की तरह, ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, तमाम धर्मों के लोगों को आहत हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस फिल्म में कुछ ऐसा है जिससे आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे? तो जुड़िए आप हमारे साथ और बताइए हमें कि क्या कुछ आपको लगता है, फिल्म को बैन अप कर देना चाहिए या नहीं। पहले दर्शक हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, ये फिल्म बंद होनी चाहिए, ये आतंकवादी है। चलिए धर्मेंद्र जी, किसी पे व्यक्तिगत लांछन ना लगाया जाए तो यही सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाएं वाकई में जुड़ी हुई हैं। सवाल महज इनकी मूवी को लेकर है, आपको क्या लगता है इनकी मूवी को बैन किया जाना चाहिए या फिर नहीं? बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक गुजारिश आप लोगों से कि आप अपनी राय रखिए, क्योंकि जिस तरह से सिख संगठनों की बात की जाए वो उसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए। एक गुजारिश एक आपसे करेंगे कि अपनी राय रखते वक्त थोड़ा शब्दों का चयन संयम से करें। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रवि जी, क्या राय है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, कहिए। सर, हमारा चैनल का प्रोग्राम तो नहीं चल रहा आपका कई 2-3 दिन से जी, फिर भी मैं आपके साथ जुड़ता ही हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आज का क्या सवाल है आपका? रवि जी, सवाल, एक मूवी आ रही है, एक फिल्म आ रही है MSG मैसेंजर ऑफ गॉड, जो बाबा राम रहीम लेकर आ रहे हैं, इसमें वो एक नए अवतार में हीरो के अवतार में है, महापुरुष उनको दिखाया गया है। दूसरी तरफ सिख संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि इससे दूसरे धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए, ये सवाल है। बिल्कुल सही है बात, ये फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये खुद आरोपों से घिरे हुए हैं, गुरु राम रहीम जी खुद आरोपों से घिरे हुए हैं जी। अभी इनके ऊपर केस चल रहे हैं और इनकी पेशियां लग रही हैं। देखो, ऐसे में ये किसी भी धर्म का प्रचार ये क्या कर रहे हैं, पीछे इनके ऊपर जो उनसे स्कूल के बच्चों को इनके अनुयायी लेके गए थे, स्कूली बच्चों को, तो उस समय भी ये मैटर काफी उछला था, तो सरकार इनके ऊपर क्यों नहीं कोई कदम उठा रही है तो नहीं जानते हम। या तो राजनीति मिलीभगत है, राजनेताओं का संरक्षण है इन्हें, बिल्कुल बैन होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय है आज के सवाल पर, सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है आपको, वाकई में जिस तरीके से फिल्म में एक महापुरुष की तरह दर्शाया गया है, ऐसे में कई सिख संगठन हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट इस मूवी में किया गया है वो गलत है, और इसी वजह से उन लोगों की भावनाएं, जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आहत होती नजर आ रही हैं।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में इस तरीके से जैसे कि दिखाया गया है इस मूवी में बैन किया जाना चाहिए या फिर नहीं? आप जुड़िए हमारे साथ, 0114321421 हमारा नंबर है। राम रहीम की फिल्म MSG मैसेंजर ऑफ गॉड विवादों के घेरे में है। कई सिख संगठनों ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। राम रहीम पर कई आपराधिक आरोप हैं और इस फिल्म में उन्हें महापुरुष के रूप में दिखाया गया है। ये कहा जा रहा है कि इससे हिंदू मुसलमान सिखों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। बैन करने की मांग की जा रही है इस फिल्म को, क्या लगता है आपको? क्योंकि इस फिल्म की अगर बात की जाए तो एक नए अवतार में, बिल्कुल एक अलग अंदाज में राम रहीम नज़र आते हैं। उनके अलग अलग अंदाज पहले से ही सभी के सामने आते रहे हैं, चाहे है वो एक पॉप स्टार की तरह हो, चाहे और कुछ हो, लेकिन वो अपने आप को ये भी कहते हैं कि हमें किसी भी रूप में जो भी माने उसकी मर्जी है। लेकिन अब इस फिल्म की अगर बात की जाए, जनवरी में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है और इसको लेकर सिख संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और वो लगातार, जाहिर सी बात है कि शुरुआत हो चुकी है प्रदर्शन वगैरह करने की जगह जगहों पर, और इस फिल्म को पूरी तरह से बैन करने की मांग की जा रही है। निशांत जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। निशांत जी क्या कहेंगे? जी सर नमस्कार। सर नमस्कार निशांत जी, कहिए। जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक संत होते हुए ये फिल्म डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उसी फिल्म में ये एक्टिंग भी कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि एक संत को ये फिल्म बनाना और उसका एक्टिंग करना शोभा नहीं देता। और जो जहाँ तक आपका सवाल है कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए, तो मैं तो यही मानता हूँ कि इस फिल्म पर जरूर से जरूर बैन लगना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बैन लगाने की मांग की जा रही है इस फिल्म पर, कई सिख संगठन इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, क्या है आपकी राय? जुड़े हमारे साथ बिल्कुल कुरैशी जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप बताइए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार नासिर कुरैशी जी, नमस्ते। नमस्कार कुरैशी जी, देखिए जिस प्रकार से सेंसर बोर्ड के अंदर आ जाती है फिल्में, वहां से अगर बाहर आती है तो मुझे नहीं पता कि ये सेंसर बोर्ड भी पता नहीं कौन सी आंख मूंद के सो रहा है। जो आज किसी की जाति विषय या फिर किसी धर्म के विषय के अंदर आहत होती है तो जिस बाबा के खिलाफ संगीन आरोप, इतने तमाम आरोप, जिस हत्या बलात्कार कैसे लगे हुए, और वो बाबा एकदम से हीरो बन जाता है जी। समझ में नहीं आता। एक साधु संत का काम होता तपस्या करना, एक अच्छे व्यक्ति को अगर अंधकार की तरफ जा रहा है तो उसको प्रकाश की तरफ लेके जाना, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हीरो बन के कहीं भी वो फिल्म बना बैठी तो कहीं भी आहत होगी तो इनको बैन लगना चाहिए। और उसके ऊपर मैं ही कहता हूँ इतनी सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जानी चाहिए कि वो ऐसे कड़े शब्दों में उनको निंदा करनी चाहिए, उनका एक विरोध करना चाहिए। देखिए गलत हो रहा है, ये प्रशासन तमाम सरकार ऊपर से आंख मूंद के सो रही है, नमस्कार जसवीर जी, कहिए क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? हमारी जय रहे जी, फिल्म को बैन करना चाहिए जी। जे साधु जो होते हैं उनको जे काम शोभा नहीं देते जी। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय है आज के सवाल पर? बिल्कुल आप लोग जुड़ते रहिए हमारे साथ, बताइए कि आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या वाकई में जो फिल्म आ रही है MSG उसको बैन किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ रामदत्त जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप बताइए। हाँ जी जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, फिल्म को बैन करना चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? ये इस आदमी का बहुत ज्यादा विरोध है, इसकी पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा इसने गलत काम कर रखे हैं, वो उजागर हो रहे हैं जबकि ये मतलब की अपने दुबाना चाहता है। तो इसलिए बैन करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी आपका, तो फिल्म को बैन किया जाना चाहिए ऐसा इन दर्शक का कहना था, आप लोगों को क्या लगता है? हम अक्सर देखते हैं बॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जिनके कुछ सीन्स बैन कर दिए जाते हैं या कहीं ना कहीं मूवी को बैन करने के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन आपको इस मूवी का जब आप लोगों ने प्रोमो देखा होगा मैसेंजर ऑफ गॉड, वाकई में आप लोगों को लगता है क्या इसमें जिस तरीके से दिखाया गया है
इसी के मद्देनजर जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भी आहत होती नजर आ रही हैं, बैन इस मूवी को करना चाहिए या फिर नहीं? जी बिल्कुल, और ये सिख संगठनों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और वो इस मूवी को बैन करवाना चाहते हैं। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकते हैं। दूसरी तरफ मैसेंजर ऑफ गॉड की जो फिल्म है जिस नाम से बनी है MSG मैसेंजर ऑफ गॉड विवादों के घेरे में आ गई है। जनवरी में रिलीज होने वाली है, प्रोमो इस फिल्म के चल रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर, ये सारी चीजें। एक और दर्शक हमारे साथ है, देवेंद्र जी क्या कहेंगे? सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ ये फिल्म है जो बैन करनी चाहिए ये बिल्कुल गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिल्म है इतने एलिगेशन लगता है, कर्म करना चाहिए ना, ये फिल्म बनाते हैं गलत सब चीज है, बोलते रहोगे जी। हाँ इनको बिल्कुल कम्प्लीटली बैन करना चाहिए सर इसको। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय है आज के सवाल पर। गुरप्रीत जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाँ जी हेलो गुरप्रीत जी बताइए। हाँ जी सर, मैम मैं ये कहना चाहूंगा ये बिल्कुल बैन होनी चाहिए। जी क्यों लगता है आपको ऐसा? ये मैम ये जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जो आदमी नकल करता है उनका चोला पहन के उनके नकल करता है वो आदमी पाप निष्कांत कर सकता है। और इन पे इन्होंने हत्या बलात्कार इतने केस है, कुरुक्षेत्र का रिपोर्टर था जिन्होंने इनके खिलाफ जो देता था इनके बलात्कार वो इन्होंने वो मरवा दिया था। तो ये आदमी महापुरुष तो किसी एंगल से महापुरुष नहीं है। तो मेरी यही राय है कि ये फिल्म जरूर बैन होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिल्म बैन होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं वजह भी इसके पीछे बता रहे हैं कि वो लोग क्यों चाहते हैं कि ये मूवी बैन की जाए। बिल्कुल, और सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। राम रहीम की फिल्म MSG विवादों के घेरे में है और कई सिख संगठन इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। राम रहीम पर कई आपराधिक आरोप हैं, फिल्म में उन्हें महापुरुष के रूप में दिखाया गया है, इससे हो सकती हैं हिंदू मुस्लिम सिखों की भावनाएं आहत। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए, क्या है आपकी राय, जुड़िए हमारे साथ। ये फिल्म के अगर आपको दिखाएं तो ये प्रोमो है ये फिल्म का जो निकल कर सामने आया है, इस फिल्म की जो कह सकते हैं प्रोमो इस तरह से आया है जिसमें एक नए अवतार में एक जो मैन लीड में है हीरो वो है। गुरप्रीत हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, गुरप्रीत जी कहिए क्या कहेंगे आप। गुरप्रीत जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए। आहलूवालिया जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आहलूवालिया जी कहिए। तो सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, फिल्म का प्रोमो आप ये देख सकते हैं। विजेंद्र हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विजेंद्र जी कहिए, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए विजेंद्र जी। हेलो सर, मैं वैनरगढ़ से बोल रहा हूँ। जी कहिए, आप जुड़ चुके हैं विजेंद्र जी कहिए। आपको आवाज मिल पा रही है विजेंद्र जी? आवाज आ रही है आपकी, तो आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म पे बैन लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए, क्या लगता है आपको? सर इससे हमारी धार्मिक भावनाओं की पहुँचती है, एक धार्मिक प्रवचन देने वाले पुरुष से एक फिल्म में आती है तो फिल्मी जगत के ऊपर भी ठेस पहुँचती है। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय है आज के सवाल पर। दरअसल एक के बाद एक अगर धार्मिक चीजों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सवाल आज के वक्त में खड़े हो रहे हैं किसी न किसी अंदाज में। अब एक फिल्म आ रही है जिसमें एक जो संत हैं जो बाबा हैं वो उसमें हीरो के रूप में नजर आएंगे, मार धाड़ करते हुए एक्शन ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिख संगठन कहते हैं कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। बालकृष्ण जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा बालक राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बालक राम जी बताइए। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए फिल्म तो बैन होनी चाहिए। इसकी ड्रेस देखिए आप किस टाइप की है, जो फिल्मों को संतों का ड्रेस तो है नहीं, किस तरह से स्टाइल में घूम रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है और कैसी जनता में बैठा है, लेडीज देख रही है, इस
फिल्म को तो छोड़ो, बंदे को बैन होना चाहिए इस तरह के स्टाइल में जो संत बन के दिखाता है। संत तो है ही नहीं है, संत की स्टाइल नहीं है, संत की कोई ड्रेस की परिभाषा नहीं बन रही, इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बालक राम जी आपका। तो तमाम दर्शकों की अपनी निजी राय है, ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ जहां हम संत बाबाओं का जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सिंपल साधारण जिंदगी उनकी हुआ करती थी, ऐसे में अब आज के जमाने की बात की जाए तो मूवियां भी आ रही हैं संत बाबाओं की। विनोद कुमार जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी विनोद कुमार जी कहिए। हाँ जी मैं विनोद कुमार फतेहबाद से बोल रहा हूँ। जी कहिए विनोद जी। हाँ जी मैं ये फिल्म के बारे में कहना चाहता था। हाँ जी इसमें फिल्म में बहुत सा दिखाया गया है नशाखोरी के लिए, अच्छा युवा पीढ़ी के लिए बहुत कुछ अच्छा दिखाया गया है, युवा पीढ़ी में सुधार के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिल्मों का मकसद यही होना चाहिए और यही होता है, और अगर बात की जाए कि इसका संदेश जाए लोगों के अंदर कुछ फर्क है, हमारे दर्शक ये कह रहे थे इसको बैन नहीं करना चाहिए, इससे फर्क पड़ेगा, जनता सुधरेगी, आपको क्या लगता है? जुड़िए हमारे साथ। मोतीलाल जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोतीलाल जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, आप बताइए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम ये जो सीन हम देख रहे हैं क्या यही फिल्म है या इससे जो दूसरी फिल्म है? जी बिल्कुल वो तो बिल्कुल अभी बीच में आपको जो तस्वीरें दिखाई दी थी जिसमें एक शेर दिखाया गया था वही फिल्म का प्रोमो, इसके अलावा ये अलग अलग बाबा के अलग अलग रूप हैं जो अपने प्रवचन के दौरान वो इस्तेमाल करते हैं, धारण करते हैं, अख्तियार करते हैं, ये अलग अलग रूप हैं। इसके अलावा बीच बीच में फिल्म का प्रोमो भी हम आपको कुछ झलकियां दिखा रहे हैं उसकी। आप कहिए मोतीलाल जी। हेलो मैडम। जी मोतीलाल जी बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ जो आप ये टीवी स्क्रीन पे फिल्म दिखा रहे हैं यही है या इसके बाद कोई आप ही बताइए। मोतीलाल जी बिल्कुल ये फिल्म जनवरी में रिलीज होगी और एक छोटा सा ट्रेलर जो आया है प्रोमो वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ झलकियां हैं मूवी की। हम ये देख रहे हैं इस फिल्म पे तो बैन होना चाहिए मैडम, बिल्कुल बैन होना चाहिए। जब ये स्कूल का मास्टर ही ऐसा होगा तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ जी जो ये फिल्म में दर्शाया गया मैं देख रहा हूँ ये सीन, ये पहली बात तो ये सेंसर बोर्ड को ये रिलीज नहीं करनी चाहिए, अगर करेगी तो ये बैन लगना चाहिए, ये हमारे से उम्मीद है आपसे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी आपका। तो बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो महज इन झलकियों को देख के ही साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी इन झलकियों में है एक प्रोमो है उसको बैन कर देना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, क्या है आपकी राय? जुड़िए हमारे साथ। जी आप जुड़ चुके हैं सरबजीत जी। सरबजीत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हेलो। जी सरबजीत जी कहिए, आप जुड़ चुके हैं। हाँ जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो फिल्में में नंगापन दिखाया। जी अपनी बात पूरी कीजिए आप, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कुछ इसके पक्ष में हो सकते हैं कि नहीं बैन नहीं होनी चाहिए, बहुत कुछ अच्छा संदेश जाएगा, कुछ इसके पक्ष में है कि इससे धार्मिक भावनाएं हैं, तो उसमें जो भी आपकी राय आप जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल कमल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी आप बताइए। हेलो। जी को ये काम तो बन मैडम। मैडम संत को ये काम शोभा नहीं देता। तो क्या लगता है आपको, मूवी को बैन करना चाहिए या फिर नहीं? मूवी को बैन कर देना चाहिए क्योंकि पवित्र नाम है सन। ऐसे मूवी में काम करने से यह पवित्र होगा ऐसा कुछ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मूवीज में काम करने से अपवित्रता भी आ जाती है ऐसा इन दर्शक का कहना था। आप लोग क्या लगता है, आप लोगों को मूवी को क्या वाकई में बैन कर देना चाहिए जिस तरीके से कई धार्मिक संगठन और खासतौर पर बात की जाए सिख संगठन खुद आगे आया है और कहा है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। संजय जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। संजय जी क्या कहेंगे? हेलो। जी संजय जी कहिए। हाँ जी ये फिल्म के बारे में मेरे को ही बात करनी है ना। बिल्कुल करिए। हेलो। जी जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बात कीजिए सर। हाँ जी संजय मैं टोणा से बोल रहा हूँ। जी कहिए। मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि जो चैनल पे आप कार्यक्रम दिखाते हैं जी
उसमें काफी कार्यक्रम होते हैं जो कि भलाई के लिए होते हैं जी। और आपका मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, क्या क्वेश्चन आपका? चलिए बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन बहुत संक्षिप्त में आपको बता दें कि एक फिल्म लेकर आ रहे हैं बाबा राम रहीम मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से, उसमें वो हीरो हैं, इस फिल्म के मेन लीड में हैं, और सिख संगठन ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, दूसरे और धार्मिक जो लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, तो क्या लगता है आपको? मैंने प्रोमो देखा है आपके इस चैनल पे। जी जी। तो इस प्रोमो चैनल के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई गई जी, से किसी की धार्मिक भावना आहत होती हो, ना तो किसी के धर्म के खिलाफ बोला गया इसमें जी, और ना ही कोई इसमें बताया गया। आप अपनी बात जारी रखें सर। हाँ, ना ही इसमें कोई ऐसा दिखाया गया किसी धर्म के खिलाफ। इसमें दिखाया गया है कि अपना जो बाबा राम रहीम जी हैं वो अपना बाहर निकलते हैं उसमें से बर्फ जी। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी क्या राय? राम सिंह जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए इस सवाल को लेकर आप क्या कहेंगे? जी सर जी, बात ये कह रहा हूँ जी, ये भगवान जो खुद भगवान होगा उसको हीरो बनने की क्या जरूरत है? हीरो तो वही बनेगा जिसको पैसे की जरूरत होगी, पैसा कमाएगा, पब्लिक में सिटी कमाएगा। ये भगवान है तो फिर हीरो बनने की जरूरत क्या है? इस फिल्म पर पूरी तरह ध्यान लगना चाहिए, ये जनता के लिए अच्छा नहीं है, इसके तो संसाधनों पर ध्यान लगना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मूवी पर बैन लगाना चाहिए ऐसा इनका कहना था, आप लोग क्या मानते हैं, क्या वाकई में मूवी पर बैन लगाना चाहिए? फिल्मों को जब हम जिक्र करते हैं कहीं ना कहीं समाज का एक आईना होती है, बहुत सारी जो चीजें समाज में छुपी रह जाती हैं उसको दिखाने का काम फिल्मों के जरिए किया जाता है। ऐसे में जब हम MSG मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म की बात कर रहे हैं जो कि जनवरी में रिलीज होने वाली है, क्या लगता है आपको, वाकई में इस मूवी को बैन करना चाहिए? राम कुमार जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ है, राम कुमार जी क्या कहेंगे? राम कुमार जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जी। हाँ जी कहिए। हाँ जी हेलो। हाँ जी फरमाइए। हाँ जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये संत होते तो इनको अपनी सिक्योरिटी रखने की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि ये तो भगवान इनका तो भगवान से कनेक्शन है, ये भगवान के अगर मैसेज हैं तो ये अपनी गाड़ियों पे काले शीशे क्यों लगाते हैं और ये अपनी सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? इनको मौत से डर क्यों लगता है? ये संत नहीं है, ये आज के ढोंगी बाबा है। जैसे अब रामपाल का घड़ा फूटा है इनका भी फूटेगा। मैं किसी भी संत का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इस चीज का दुख होता है कि ये आज के टाइम में आम पब्लिक को मिसगाइड क्यों करते हैं। भोली भाली औरतें हैं जो वो बेचारी विश्वास कर लेती हैं इनकी बातों पे, ये उनको क्यों वो करते हैं कि अपने पैसे के खातिर या अपनी ऐशो आराम की खातिर ये लोगों को मिसगाइड क्यों करते हैं? चलिए बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों करते हैं। बाकी फिल्म को लेकर प्रोमो फिल्म का आ गया है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चैनलों पर दिखाया जा रहा है, एक नए अंदाज में राम रहीम नजर आते हैं। सिख संगठन ये कहते हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े, इनका कहना था कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो संत होते हैं उनका इस तरह से काम नहीं होता, उनको ज़रूरत क्या है, वो तो पहले से ही लोगों के हीरो हुआ करते हैं। बिल्कुल, और वाकई फिल्मों का जब हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं, ऐसे में अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो वाकई में बड़ा सवाल है। बाकी अब फिल्म पर बैन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, सेंसर बोर्ड पर भी ज़रूर इसकी नज़र बनाए रखेगा। बहरहाल इस कार्यक्रम में हम दोनों के साथ इतना ही, हम दीजिए।